एक्चुअली सब लोग अपने आप को ही जाल में गिराते हैं क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका है वही अभी एक जाला है और सबसे पहला स्टेप एक इंसान का होना चाहिए वो जाला तोड़ने के लिए जैसे इसलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर कभी बच्चों में उसको कभी भी स्कूल नहीं भेजूंगा आई वाले आके मुझे पैसा देना कि अपना बच्चा मेरे मेरे पास मैं तुम को तुमसे तुमसे तो सबसे ज्यादा दूर रहना है अगर कोई बोले कि मैं पागल हूं मैं खुश हूं जो लोग खुलेपन में जीते हैं दे हैपन टू लाइफ उनसे लाइफ को असर पड़ता है लेकिन मेजोरिटी दुनिया ऐसी है कि लाइफ से उनको असर पड़ता है अगर भाई मतलब मुझे वैसे वो चीज होगी भी नहीं अगर अगर मतलब मुझे ये ऑप्शन मिले की तुम्हें एक कुटिया बना के दी जाएगी ठीक है जंगल में ठीक है वहां पे तुम्हें रहना है खाने के लिए तुम अपना जुगाड़ कर सकते हो कोई फैमिली नहीं है कुछ नहीं है और एक लाइफ में यह है कि आपको अमेरिका इससे थोड़ा अपर उस में माना जाता है है ना यूके से भी तो आपको अमेरिका में घर मिलेगा फैमिली के साथ रहोगे भाई मैं चूज करूंगा वो कुटिया हम्म हम्म सही अगर मैं बताऊं तो तो वही मैं बोल रहा था कि हमारा बेसिकली जो एक्चुअली सब लोग अपने आप को ही जाल में गिराते हैं उनका जो सोचने का तरीका है वही अभी एक जाला है ठीक mm. है और सबसे पहला स्टेप एक इंसान का होना चाहिए वो जाला तोड़ने के लिए जैसे इसलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर कभी बच्चों में उसको कभी भी स्कूल नहीं भेजूंगा आई mm. वाले आके मुझे पैसा देना कि अपना बच्चा मेरे पास भेजूँ मैं बोलूंगा मा तुम हो मेरे को तुमसे तुम तो सबसे ज्यादा दूर रहना है क्योंकि तुम इंसान को खत्म कर देते हो रोबोट बनाते हो तुम और मैं बोल रहा हूं डिस्पाइट हैविंग बीन ठीक है तो मतलब जिस तरह से आ, दुनिया का आर्किटेक्चर बना हुआ है उसकी वजह से इंसान का आर्किटेक्चर उसके समझ के पहले ही गुलामी बाजी वाला बन जाता है वाइल्ड बीइंग अंडर इल्यूजन के मैं अपनी लाइफ खुद से बना रहा हूं जैसे कोई मुझसे जब पूछता है कि आई टू डू दिस इन लाइफ और आप मेरे को मदद करो तो एक तरफ मैं इतना जानता हूं कि ह्यूमन स्पिरिट का ये पोटेंशियल है कि वो वो एक्चुअली जो सोचे वो कर भी सकते हैं ठीक है थीके? तो तुम एक अनरियल चीज कर सकते हो जैसे कल मैं चाहूं इंडिया का प्रेसिडेंट बनना बहुत ज्यादा आसान आसानी से पॉसिबल है वो है। लेकिन उसके लिए मेरे को जितना अपनी स्पिरिट को फोकस करना पड़ता है एक डायरेक्शन में बाकी लाइफ की जितनी सुंदरता मेरे तरफ आ रही होती वो मेरे को कभी मिलेगी नहीं फिर वो छूट जाएगी हां क्योंकि क्योंकि लाइफ एक अपने ही स्पीड पे अपने ही बिना किसी एजेंडा के तुम्हें सुंदरता देती है हम्म तुम्हें एक एक्सपीरियंस देती है तुम्हें अनुभव देती है जीवन का हम हम गधे होते हैं क्योंकि हमारे परसीव्ड वैल्यू के अंदर इट इज दैट मेरे को तो आईफोन चाहिए आईफोन वाली चीज सही है ठीक है मेरे को आईफोन चाहिए मैं आईफोन वाला बंदा होना चाहिए जबकि पता चला लाइफ तुम्हें इतना सिक्योर इंसान बनाना चाहती है कि तुम्हें मल्टीमीडिया फोन की जरूरत ही नहीं है और तुम एक्चुअली डब्बे वाले फोन के साथ बहुत खुश हो हम्म तो समझ लो लाइफ तुम्हारे को अंश हो जिसको फ्री विल मिली है और तुम ऐसे पैदा हुए हो ह्यूमन के रूप में कि जस्ट विद द पावर ऑफ द माइंड मैं चाहूं तो अभी ये लैपटॉप उठ सके लेकिन उतना मेरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि मैं सटल फील्ड्स को जो एनर्जेटिक फील्ड्स हैं या क्वांटम फील्ड्स हैं उनको मैं उतनी क्विकली रिस्पॉन्ड करवा सकू बट अगर मैं किसी एक चीज पे फोकस कर दू जैसे मेरे को प्रेसिडेंट बनना है ये करना है या वो करना है मैं वो बन सकता हूं लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत चीजों को ना बोलना पड़ता है और बेसिकली लाइफ हमें दी गई है ताकि हम ना ना बोले okay. समझ हो लाइफ हमें दी गई है ताकि हम हर चीज को हा बोले तुम्हारे को कोई मार रहा है हाँ मार आ, मेरे को देखना है क्या होता है इससे, <laughs> क्यों आया ये मेरे रस्ते है? मेरे को सोने का घड़ा मिल रहा है दे दो। कोई लेके जा रहा है, ले जाओ मतलब पानी बन जाओ पानी तरह से ब्रूसली ने कहा था और लाइफ का जो करंट है वो तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है करने दो क्योंकि उसकी सुंदरता ना ऐसी है जो ना खरीदी जा सकती है ना प्रोग्राम जा सकती है ना कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर सकता है और उसके तरीके से अगर कोई इंसान एक हफ्ते भी जीने की कोशिश करे ना एक हफ्ते के अंदर उसको इतने मेरिकल दिखेंगे जो उसको अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं दिखे हो ये मेरे साथ हुआ है okay. पूरा का पूरा 2023 एक दिन नहीं गया है जहां पे मेरे साथ कोई ना कोई छोटा या बड़ा मेरिकल नहीं हुआ हो सोच मेरी फटी रहती थी और फटी रहना मतलब मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल होती थी फॉर नो रीजन और ऐसा नहीं, नहीं है कं, कंटिन्यूसली कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा मैं जाके सुबह उठ के अच्छे से तैयार होके कैफे जाके बाहर बैठता था कैफे के लोगों से दूर एक पेड़ को देखता था चार घंटे पागलों की तरह हंसते हुए स्माइल करते हुए तो काफी सारी चीजें जो मेरे साथ भी हुई हैं जिनको मैं ना मैं खुद समझ सकता हूँ ना मैं खुद वर्ड्स में डाल सकता हूँ ना ही मैं वो यू you नो know, बाहर डालना चाहूंगा क्योंकि बाहर स्पेशली जब मैं सिखाने का काम करता हूँ मैं तब करता हूँ जब कोई चीज मेरे को अंदर बाहर आजमा चुका हूँ मैं और मेरे को पता है उसको कैसे अप्लाई करना है और मेरे को पता है वो यूनिवर्सली काम करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैस्कुल प्रिंसिपल मैंने नहीं सिखाए होते अगर मेरे को लगता कहीं ना कहीं उसमें डाउट लेकिन क्योंकि दिखता है कि दुनिया बंदर नाच कितना नाचती है तो उसकी वजह से पता है कि मेल फीमेल डायनामिक्स काम करते हैं यू नो you know, और इस लेवल पे काम करते हैं कि उस लेवल पे जब मैं अप्लाई करता था वो मेरे इनहेरेंट नेचर में ऐसे हो गए कि बाद में तो बिना उनके अप्लाई किए वैसे ही हो रहा है सब सो मतलब लाइफ बहुत ही मतलब इट इज सो मच बियॉन्ड व्हाट रेगुलर ह्यूमन अब अगर कोई बोले कि मैं पागल हूं मैं खुश हूंगा अलग लेवल पे क्योंकि इसका मतलब मैं उसके जैसा नहीं हूं और अगर मैं उसके जैसा नहीं हूं तो बहुत अच्छी बात है लोग सोचते हैं क्योंकि आजकल ना दुनिया में एक मास डिप्रेशन और मास साइकोसिस चल रहा है जिसकी वजह से लड़की ये वाले काम कर रही है ठीक है आप अकेलेपन में हो घर से दूर ठीक है सबके साथ कुछ ना कुछ ठीक नहीं है चाहे तो मटेरियल लाइफ में सीईओ हो लेबर हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता ठीक है कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर खराब अंधकार वाला तब के साथ अब बेसिकली अगर वो अनुभव को लोग अटेंशन ना पे, पे करें क्योंकि उस अनुभव से ना लोग सिर्फ भागना चाहते हैं डिस्ट्रैक्ट करके खुद को लेकिन अगर इस बार उस अनुभव को सब लोग अटेंशन पे कर लें उनको पूरी की पूरी लाइफ एक इस तरह से दिखेगी एक नए तरीके से दिखेगी जिस तरह से उन्होंने कभी पहले देखी नहीं है hmm. इसकी वजह से कभी भी वो दोबारा झुक नहीं पाएंगे उनको कोई झुका नहीं पाएगा hmm. उनको कोई बोल नहीं पाएगा कि तुम टीका लगाओ उनको कोई बोल नहीं पाएगा कि तुमने टीका नहीं लगाया तो तुम काम नहीं कर सकते मतलब ऐसी कोई भी चीज कोई उनके साथ कर ही नहीं पाएगा जहां पे एक पावर डोमिनेशन का सवाल उठता है क्योंकि फ्रीडम अल्टीमेटली सबको इक्वल करती है क्योंकि एवरीबडी प्लेस बाय सेम वैल्यूज तो फॉर एग्जांपल अगर मैं राजा हूं और मैं किंगडम को रूल करना चाहता हूं हूं तो मैं बाय फोर्स रूल कर सकता हूं, जिस तरह से कोई आदमी हो गया जो अपनी फीमेल पार्टनर को डोमेस्टिकली मार रहा है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही तो मैं बाय फोर्स रूल कर सकता हूँ ऑन दी अदर हैंड बाय प्रेम भी रूल कर सकता हूँ कि मैं मार नहीं रहा अगर उसको गलती करनी है कुछ अलर्ट करना है वो वो करे क्योंकि

एक हो गया कि आज नहीं हो रहा कुछ नहीं होता हो जाएगा और हुआ भी नहीं तो भी कुछ नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है और ये जो दोनों वैल्यू सिस्टम है ना ये जो दोनों वेज ऑफ फंक्शनिंग है जो हम अपने साथ अप्लाई ये फिर बाहर भी हम अप्लाई करते हैं दूसरे लोगों के साथ ओके जिसकी वजह से क्योंकि लोग नकलीपन में ज्यादा जीते हैं इसलिए उनकी दोस्ती भी नकली है उनका काम भी नकली है उनका सब कुछ ओवरऑल नकली है वो अपने साथ असलीपन में जीना शुरू करें उनकी बाहर की लाइफ ऐसे बदलना शुरू होगी ना विल बी लाइक अ गार्डन ऑफ रोजेस लेकिन आजकल लोग किस चीज पे ज्यादा हैं कि दूसरे को गिरा के आगे कैसे बढ़े वो वहीं पे रह जाएंगे हमेशा के लिए और चीजें उनको होंगी कंप्लेट जो लोग खुलेपन में जीते हैं दे हैपन टू लाइफ उनसे लाइफ को असर पड़ता है लेकिन मेजोरिटी दुनिया ऐसी उनको असर पड़ता है <laughs> जा उनको लाइफ ने भेजा जाना पड़ा जहां उनको लाइफ ने मारा मार खानी पड़ी एक्सेट्रा दूसरा ऐसा होता है कि यू आर हैपनिंग टू तो लाइफ ब्लाइंड फेथ एंड <laughs> ब्लाइंड फेथ जरूरी भी नहीं है तुम भगवान में हो इसमें उसमें <laughs> क्योंकि इफ यू हैव फेथ इन नथिंग तो ही उसमें से तो समथिंग निकलेगा ना नहीं तो नथिंग नथिंग ही रहेगा क्योंकि कुछ भी अगर पैदा होता है तो वो आउट ऑफ नथिंग ही तो पैदा होता है मतलब नथिंग इज लाइक स्पेस जिस तरह से आकाश का एलिमेंट है मतलब धरती कहने को इतना बड़ा प्लानिट है कितना भारी होगा आठ बिलियन लोग हैं उसके ऊपर लेकिन आप वो देखो वो है किधर वो हवा में तैर रही है हवा भी नहीं है वो स्पेस में तैर रही है वो बेस क्या है नथिंग नथिंग mm -hmm. ने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी फॉर समथिंग mm -hmm. लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर समथिंग यू कान चूज यू कैन ओनली रिसीव और रेजिस्ट मेजोरिटी दुनिया रेजिस्टेंस पे जीती है और जब वो रेजिस्टेंस पे जीती है तो दर्द होता है क्योंकि जो होना mm -hmm. है वो होगा mm -hmm. रिसीव करने को रेडी हो तो दर्द कम होता है और जो उसके पीछे का मॉरल ऑफ द स्टोरी है सबक सीखने को वो इमिडिएटली जल्दी मिल जाता है एंड द थिंग जस्ट पासिस थ्रू यू तो तुम मेंटली इमोशनली साइक्लिक साइकिकली बहुत ज्यादा एज करते हो बहुत विजडम पा, पाते हो बट बहुत यंग होते हो असली में फिजिकली mm -hmm. मेरी भी लाइफ की जो सबसे ज्यादा टॉर्चरस मोमेंट्स रहे हैं आफ्टर आई लेट गो तब से दे डोंट टॉर्चर मी रियलिटी एज नॉट चेंज

जितना जल्दी आप एक सबक सीख लेते हो उतना जल्दी वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अगर आप वो सबक उस टाइम पे नहीं सीखते तो वो चीज वापस आती है और खतरनाक इंटेंसिटी के साथ क्योंकि लाइफ चाहती है कि तुम नोटिस करो ये ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का समझ लो कोई मैं एग्जाम्पल देता हूँ ये बेस्ट समझाया गया है वो जो एक रिकॉर्डिंग है कैचिंग लाइफ स्ट्रैप्स बिफोर दे कैच यू ये टी पे है बट अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दू समझ लो मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ मैं अफेयर कर रहा हूँ ठीक है मेरी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं अफेयर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है यू you नो know, सबके कैरेक्टर ऊपर नीचे हैं एटसेट्रा तो मैं अफेयर कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाला हूँ लेकिन फिर मैं बंद कर देता हूँ एंड आई गो लाइक गोले बचिया ठीक है लेकिन मैंने सबक नहीं सीखा तो क्या हुआ एक साल बाद मैं दोबारा अफेयर करना शुरू कर दिया ठीक है मैं ये मैं ये एक्चुअली एग्जांपल है बट ये एक्चुअली बहुत लोगों की सच्चाई है ठीक है <laughs> अब समझ लो एक साल बाद मैंने अफेयर करना वापस शुरू कर दिया <laughs> इस बार क्या हुआ प्रेगनेंसी हो गई ओके okay. समझ एक स्टेप आगे चला देता ठीक है अब इस बार बच नहीं पा रहे इस बार सब <laughs> पर्दाफाश हो रहा है सब खुल के बाहर आ रहा है <laughs> अब मैं मॉरली या एथिकली इन ग्राउंड पे ये नहीं बोल रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है अफेयर करना गलत है ये वो मैं कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूँ गलत क्या होता है, hmm. है? तुम अपने है कि ये सही है या गलत है तो इस बार समझ लो अब तुम नहीं पहचाने तो तुमने दोबारा अफेयर किया इवन दो लास्ट टाइम तुम्हें ऑलमोस्ट फटका पड़ गया था लेकिन बिना फटका पड़े

तो लाइफ हम लोग बेसिकली ना अगर जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी मेंशन करी तो अगर मैं और आपने ये पूछा व्हाट इज लाइफ टीचिंग मी